नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के लघु उत्तरीय प्रश्न लिखवाने वाला हूँ, जो की दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले उत्तर लिखना है, उत्तर के बाद दोस्तों आपको पहले अवतल दर्पण का चित्र बनाना है। चित्र कैसा बनाना है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार का आपको चित्र बनाना है। अब दोस्तों, मैं आपको इस चित्र को समझा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे आप इस प्रश्न के आंसर नहीं लिख सकते। तो पहले तो आप इस चित्र को ध्यान से समझ लीजिए। अब दोस्तों देख रहे हैं ना, ये M1 और जो M2 है ये हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ पर, ये जो हमारा उभरा हुआ पृष्ठ है ना दोस्तों, ये वाला, इस उभरे हुए पृष्ठ पर हमने क्या करिए, पॉलिश कर लिया। क्या करिए दोस्तों, पॉलिश कर लिया। तो जब हमने इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करी तो इसका जो दबा हुआ भाग था, जो इसका दबा हुआ भाग था, ये हमारा क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। अब दोस्तों, इसी अवतल दर्पण के कुछ दूरी पर, इसी अवतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर हमने क्या रखे, वस्तु ए भी रखी है। क्या रखिए दोस्तों, वस्तु ए भी रखी है। अब दोस्तों, वस्तु ए बी से हमारी दो किरणें निकल गई। कितनी किरणें निकल गई, दो किरणें। एक तो किरण है बी और एन, और दूसरी किरण है हमारी बी और ए। तो दोस्तों, जो पहली किरण है हमारी बी और एन, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। किसके समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे ये मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दोस्तों ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारा मुख्य अक्ष होती है। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो रेखा है ये हमारे मुख्य अक्ष है। ये क्या दोस्तों, हमारा मुख्य अक्ष। तो दोस्तों इसी मुख्य अक्ष के समांतर क्या चल रही है, हमारी किरण बी और एन चल रही है। तो दोस्तों ये जो हमारी किरण है ना बी और एन, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ की ओर जाती है। कहां जाती है दोस्तों, फोकस एफ की ओर। दोस्तों आप ये ना देख रहे, ये हमारी फोकस एफ की ओर जा रही है हमारी किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात। अब दोस्तों हमारी जो दूसरी किरण है डी और ई, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में चली जाती है जिस मार्ग से वह आती है। अब दोस्तों हमारी जो पहली किरण थी बी और एन, जब ये दर्पण से परावर्तित हुई तो दोस्तों परावर्तित होने के बाद जो बी और एन जो किरण थी, ये बी डैश की ओर जाती हुई प्रतीत हुई। कहां जाती हुई प्रतीत हुई, बी डैश की ओर। इसी प्रकार दोस्तों हमारी जो दूसरी किरण थी बी और ई, ये भी परावर्तन के पश्चात बी डैश की ओर जाती हुई प्रतीत हुई। तो दोस्तों दोनों किरणें कहां मिलनी है, बी डैश पर मिलनी है। तो दोस्तों वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पर बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, बड़ा बनेगा, क्योंकि दोस्तों वस्तु ए बी तो इससे छोटी है ना, ये तो बड़ा दिखाई दे रहा है इस वाले से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये चित्र। तो दोस्तों इस चित्र में केवल इतना ही आपको समझना था और ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस चित्र के माध्यम से मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे आप, तो दोस्तों आपको क्या करना, पहला पॉइंट नंबर 1 डालना है। क्या डालना दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 में आपको लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण बी और एन परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि अवतल दर्पण के सामने हमने वस्तु ए बी रखी है और इस वस्तु ए बी से हमारी दो किरणें निकलनी है, एक पहली किरण है बी और एन और दूसरी किरण है बी और ई। तो पहली जो किरण है बी एन एन, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाती है, फोकस एफ की ओर जाती है। अब दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट डालना है, दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है जबकि दूसरी किरण बी और ई दर्पण से परावर्तन के पश्चात
उसी मार्क पर लौट जाती है जिस मार्क से वह आती है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारी दूसरी किरण है ना बी और ई, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्क से लौट जाती है जिस मार्क से वह आती है। तो दोस्तों बी और ई इस मार्क से आई, इसी मार्क से वापस लौट गई। अब दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना दोनों बराबर की किरणें दर्पण के पीछे बी डैश पर मिलती हैं, ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ही है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा व आकार में बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि दोस्तों जो हमारी पहली किरण है बी और एन और दूसरी किरण है बी और ई, तो जब ये परावर्तन के पश्चात जो इनकी किरणें थी ये बी डैश की ओर जाती हुई प्रतीत हुई, कहां जाती हुई प्रतीत हुई बी डैश पर। और दोस्तों वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा ए डैश बी डैश पर बनेगा। कहां बनना दोस्तों, दर्पण के पीछे बनना है। कितना बड़ा बनना है, वस्तु ए बी से बहुत बड़ा बनना है। कैसा बनना दोस्तों, सीधा बनना है। तो दोस्तों मैंने ये बात इसमें लिखी है तीसरे पॉइंट में कि दोनों बराबर की किरणें दर्पण के पीछे बी डैश पर मिलती हैं, ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ही है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा व आकार में बहुत वस्तु से बड़ा है। तो दोस्तों मैंने यही बातें लिखवाई हैं। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किरण आरेख खींचकर दिखाइए कि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा व छोटा बनता है। तो दोस्तों हमारे दूसरा प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है। उत्तर में आपको हेडिंग डालनी है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आपको ये हेडिंग डालनी है। फिर इसके बाद आपको उत्तल दर्पण का चित्र बनाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, उत्तल दर्पण का चित्र बनाना है। कैसा चित्र बनाएंगे, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार का आपको चित्र बनाना है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको इस चित्र के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इस चित्र के बारे में समझेंगे नहीं तब तक आप इस चित्र की थ्योरी नहीं लिख सकते। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना, ये M1 और M2 ये हमारा दर्पण है। ये क्या हमारा दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण। अब दोस्तों उत्तल दर्पण के हमने दबे हुए पृष्ठ पर, जो अंदर का ये दबा हुआ पृष्ठ है ना, इस दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करिए। क्या करिए दोस्तों, पॉलिश करिए। तो दोस्तों जब हमने दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करी तो इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ था ये हमारा परावर्तक पृष्ठ बन गया। क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। अब दोस्तों ये परावर्तक पृष्ठ बनते ही हमने इस दर्पण की कुछ दूरी पर वस्तु ए बी रखी है। क्या रखी है दोस्तों, वस्तु ए बी रखी है। अब वस्तु ए बी से हमारी दो किरणें निकलनी है। कितनी किरणें निकलनी है, दो किरणें। पहली किरण है ए और एम और दूसरी किरण है हमारी ए और ओ। जो पहली किरण है ए और एम ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। किसके समांतर चल रही है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। अब दोस्तों आप कह रहे हैं ये मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ध्रुव बी और वक्रता केंद्र सी को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो हमारा मुख्य अक्ष होती है। तो दोस्तों हमारी जो पहली किरण है ए और एम ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि दोस्तों दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस अक्ष की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों डैश डैश का मतलब यही होता है कि जाती हुई प्रतीत होना। क्या मतलब होता है दोस्तों, जाती हुई प्रतीत होना। तो हमारी जो पहली किरण है ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस अक्ष की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। जबकि दोस्तों हमारी दूसरी जो किरण है ए और ओ, जो हमारी दूसरी किरण है ए और ओ, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने के कारण वापिस उसी मार्ग पर लौट जाती है वह जिस मार्ग से वह आती है। तो दोस्तों देखिए हमारी जो दूसरी किरण थी एयर वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाती हुई प्रतीत हुई, वक्रता केंद्र सी पर। तो दोस्तों वक्रता केंद्र सी पर जाती हुई प्रतीत होने के कारण वापस उसी मार्ग पर लौट गई जिस मार्ग से वह आई थी। तो इस मार्ग से वह आई थी, इसी मार्ग से वह वापिस लौट गई। देखिए दोस्तों आई और वापिस फिर लौट गई। अब दोस्तों ये जो पहली वाली किरण थी हमारी ए और एम और दूसरी वाली जो किरण थी एयर वो, ये जो दोनों किरणें हैं ये हमारी कहां जाके मिलनी है, ए डैश बी डैश पर मिलनी है। कहां मिलनी है, ए डैश बी डैश पर। और जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पर ही बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। दोस्तों वस्तु ए बी हमारी बड़ी वस्तु है, ये हमारी छोटी वस्तु ए डैश बी डैश चित्र में ही दिख रहा है, तो इसका मतलब छोटा चित्र बनेगा। दोस्तों इसी चित्र के माध्यम से मैं आपको इस चित्र की थ्योरी लिखवा देता हूँ। तो दोस्तों आपको पहला पॉइंट डालना है, पहले पॉइंट में लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ए एम दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि हमारी जो पहली किरण है ए एम
ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस अर्थ की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अब दोस्तों आपको दूसरे पॉइंट में लिखना है, जबकि दूसरी किरण एयर ओ परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने के कारण वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि जो दूसरी हमारी किरण है एयर ओ, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, और इसी कारण से वह वापिस उसी मार्ग में लौट जाती है जिस मार्ग से वह आती है। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर काटती हैं, इसलिए वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर सीधा आभासी व छोटा प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि दोनों जो किरणें हैं वो ए डैश बी डैश पर मिलनी है। पहली वाली किरण भी एम परावर्तन के पश्चात कहां जाके मिली, ए डैश पर मिली। दूसरी वाली किरण भी कहां मिली, ए डैश पर मिली। तो दोनों किरणें कहां मिली, ए डैश बी डैश पर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पर। कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा आभासी व छोटा। कैसा बनेगा, सीधा आभासी व छोटा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में केवल इतना ही लिखना है। अब दोस्तों सिद्ध हो गया होगा कि उत्तल दर्पण में आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए जब वस्तु 2f1 पर रखी हो। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको इस प्रश्न में पहले तो लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखनी है, फिर दोस्तों आपको उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाकर उसका किरण आरेख खींचना है, मतलब उसका चित्र बनाना है, और चित्र में आपको दिखाना है कि जब वस्तु 2f पर रखी हो, ये आपको चित्र में दिखाना होगा। तो पहले तो मैं लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखवा देता हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है लेंस का प्रथम फोकस। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों, लेंस का प्रथम फोकस, और लेंस के प्रथम फोकस में आपको चित्र बनाना है ये वाला। दोस्तों आप जो इस चित्र को देख रहे हैं ना, सेम इस प्रकार का दोस्तों आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद आपको पहले इस चित्र को ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप इस चित्र की छोरी नहीं लिख सकते। तो दोस्तों देखिए, ये जो F1 है ना, ये F1 ये हमारा बिंदु है, मुख्य बिंदु। अब दोस्तों इसी मुख्य बिंदु से हमारी बहुत सारी किरणें निकलनी है, पहली किरण, दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण, पांचवी किरण। तो दोस्तों बहुत सारी किरणें निकलनी है जो दोस्तों उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात, जो कि दोस्तों उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दोस्तों आप कह रहे हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष होती है। तो दोस्तों पहली वाली जो किरण है, दूसरी वाली जो किरण है, तीसरी वाली जो किरण है, चौथी वाली जो किरण है, ये किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। ये भी हो रही है, 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 तो सारी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो दोस्तों इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको इसकी थ्योरी में भी यही बातें लिखनी है जैसे चित्र मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों आपको लिखना है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, जिसे एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों देखिए हमने इसे किससे प्रदर्शित करा, एफ डैश से प्रदर्शित करा, ये आपको चित्र में भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था चित्र में कि हमारा मुख्य बिंदु है, इस मुख्य बिंदु से बहुत सारी हमारी प्रकाश किरणें निकलनी है जो दोस्तों उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दोस्तों लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो दोस्तों आपको लेंस का प्रथम फोकस समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको हेडिंग डालिए लेंस का द्वितीय फोकस। क्या हेडिंग डालिए दोस्तों, लेंस का द्वितीय फोकस। अब आपको लेंस का द्वितीय फोकस समझना है कि लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले लेंस का द्वितीय फोकस का चित्र समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इसका चित्र नहीं समझेंगे आप इसकी थ्योरी नहीं लिख सकते। तो पहले तो आपको इसके चित्र समझना है।
तो दोस्तों देखिए, जो हमारी पहली प्रकाश किरण है, दूसरी प्रकाश किरण है, तीसरी प्रकाश किरण है और चौथी प्रकाश किरण है, ये जितने भी प्रकाश किरण हैं, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाकर मिलती है वह हमारा लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, ये जितनी प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, जो लेंस के अपवर्तन के पश्चात कौन से बिंदु पर जाकर मिलनी है? F2 पर जाकर मिलनी है। तो F2 क्या हमारा दोस्तों? लेंस का द्वितीय फोकस है। दोस्तों हम द्वितीय लेंस के फोकस को किससे निरूपित करते हैं? F से निरूपित करते हैं। किससे? F से। तो दोस्तों आपको लेंस का द्वितीय फोकस भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात आती है आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप थ्योरी भी लिख लीजिए। तो दोस्तों आपको इसकी थ्योरी में लिखना होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने लेंस के द्वितीय फोकस की जो परिभाषा है सेम उसी तरीके से लिखी है जिस तरीके से मैंने आपको इसका चित्र समझाया, तो सेम उसी तरीके से लिखी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसके बाद हेडिंग डालनी है, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु 2F पर रखी हो। तो दोस्तों अब हम उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे जब वस्तु काय पर रखी हो, 2F पर रखी हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसका चित्र बनाना होगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार का चित्र बनाना होगा। और इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जो ए बी है ना, ए बी ये हमारी वस्तु है। क्या है दोस्तों? वस्तु है। जो वस्तु काय पर रखी है? 2F1 पर रखी है। किस पर रखी है? 2F1 पर। अब दोस्तों इस वस्तु ए बी से हमारी दो प्रकाश किरणें निकलनी है। कितने प्रकाश किरणें निकलनी है? दो। पहली जो प्रकाश किरण है ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस पर जाके मिलती है? A' पर मिलती है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है हमारी ए और ओ, ये भी लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां जाकर मिल रही है दोस्तों? A' पर मिल रही है। दोनों प्रकाश किरणें कहां जाकर मिलनी है? A'B' पर मिलनी है। और A'B' कौन से बिंदु पर है? 2F2 पर है। कहां पर है दोस्तों? 2F2 पर है। तो दोस्तों आपको ये चित्र समझ में आ गया कि प्रतिबिंब कहां बनना है वस्तु ए बी का? वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहां बनना है? A'B' पर बनना है। कौन से बिंदु बनना है? 2F2 पर बनना है। तो 2F1 का जो प्रतिबिंब है कहां बनना है? 2F2 पर बनना है। तो दोस्तों आपको इसके नीचे लिखना है, इस प्रकार 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर बनता है। तो दोस्तों हमारा A'B' पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और कहां बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों? 2F2 पर, जो A'B' पर स्थित है। कहां स्थित है? A'B' पर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु 2F पर रखी हो। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख खींचिए जब वस्तु पहला अनंत पर हो, दूसरा लेंस की फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको इसके उत्तर में लिखना है जब वस्तु अनंत पर हो। पहले हम दोस्तों उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, वो भी जब वस्तु अनंत पर हो। अब आपको क्या करना, आपको इसका चित्र बनाना है। क्या करना है दोस्तों? आपको इसका चित्र बनाना है जब उत्तल दर्पण पर वस्तु अनंत पर हो, उस वाले चित्र को बनाना है। तो दोस्तों देखिए सेम इसी प्रकार से आपको ये चित्र बनाने हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सेम इसी प्रकार से आपको ये चित्र बनाने हैं। दोस्तों मैं आपको ये चित्र समझा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इस चित्र को नहीं समझेंगे तब तक आप इसकी थ्योरी नहीं लिख सकते। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ना, पहली और दूसरी जो हमारी प्रकाश किरणें आ रही है कहां से आ रही है? तो दोस्तों ये अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही है। कहां से आ रही है दोस्तों? अनंत पर स्थित वस्तु से। तो पहली दूसरी किरण कहां से आ रही है? अनंत पर स्थित वस्तु से, जो कि दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों ये जो प्रकाश किरण आ रही है हमारी पहली और दूसरी, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस एफ पर जाकर मिलती हैं। कहां जाकर मिलती है दोस्तों? फोकस एफ पर जाकर मिलती हैं। और दोस्तों फोकस एफ पर केंद्रित होकर यहीं ये क्या बनाती है दोस्तों? प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है? प्रतिबिंब बनाती है। तो दोस्तों जो एफ पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है दोस्तों?
उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के निर्माण के लिए कैसा आरेख खींचना चाहिए जब वस्तु अनंत पर हो। यह आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आपको इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए। तो दोस्तों थ्योरी सेम वैसी लिखनी है जैसे आपको मैंने चित्र समझाया था, वैसे मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा दूंगा। तो दोस्तों आपको लिखना है अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस एफ की ओर जाती हैं, एफ पर केंद्रित होकर यह प्रतिबिंब बनाते हैं, लेंस के दूसरी ओर एफ पर बना प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पहली किरण और दूसरी किरण जो आ रही है ये वस्तु अनंत पर स्थित वस्तु से आ रही है, और ये किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, जो कि दोस्तों लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु एफ पर जाकर मिलती है। और दोस्तों यहीं पर ये क्या बनाती है दोस्तों, प्रतिबिंब बनाती है। कैसा प्रतिबिंब बनाती है, उल्टा बनाती है, वास्तविक बनाती है, वस्तु से बहुत छोटा होता है ये प्रतिबिंब। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा चित्र भी और थ्योरी भी कि कैसे लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट डालना, दूसरे पॉइंट में लिखना है जब वस्तु फोकस एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो। दूसरा पॉइंट लिख लिया। अब दोस्तों हमें उत्तल लेंस द्वारा हमें यह बताना है कि जब वस्तु फोकस एफ पर रखी हो और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह हमें बताना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो चित्र बनाना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, चित्र बनाना होगा। चित्र देख रहे हैं आप दोस्तों स्क्रीन पर, सेम इसी प्रकार का आपको चित्र बनाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले इस चित्र को ध्यान से समझा देता हूं, क्योंकि जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप इसकी थ्योरी नहीं लिख सकते। तो थ्योरी लिखने के लिए आपको पहले तो इस चित्र को ध्यान से समझना होगा। तो दोस्तों देखिए ये जो आप लेंस देख रहे हैं ये हमारा उत्तल लेंस है। ये क्या दोस्तों, हमारा उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस के कुछ दूरी पर हमारी एबी वस्तु है। एबी क्या दोस्तों, वस्तु है। अब इस वस्तु से हमारी दो प्रकाश किरणें निकलनी है। कितने प्रकाश किरणें निकलनी है दोस्तों, दो प्रकाश किरणें। पहली जो प्रकाश किरण है हमारी ये वाली है, कौन सी, ये वाली जो दोस्तों लेंस से अपवर्तन के पश्चात एफ टू बिंदु से होकर चली जाती है। कौन से बिंदु से होकर चली जाती है, एफ टू के बिंदु से होकर चली जाती है। जबकि जो दोस्तों हमारी दूसरी प्रकाश किरण है ए और ओ, ये दर्पण से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। ये क्या होती है दोस्तों, सीधी निकल जाती है। तो दोस्तों जो पहली प्रकाश किरण है और दूसरी प्रकाश किरण है, जब ये अपवर्तित होती हैं तो दोस्तों इनका जो प्रकाश किरणें हैं ये ए डैश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, पहली वाली प्रकाश किरणें की भी दूसरी वाली प्रकाश किरणें की। जब ये अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर जाती है तब इनकी जो वो प्रकाश किरण है वो ए डैश की ओर जाती हुई प्रतीत भी होती है। तो दोस्तों वस्तु ए और बी का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पर बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों, ए डैश बी डैश पर बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये तो सीधे सीधे आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा है। तो दोस्तों आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब दोस्तों बात आती है चित्र की, आप थ्योरी कैसे लिखोगे। तो दोस्तों थ्योरी जैसे मैंने आपको ये चित्र समझाया वैसे ही आपको थ्योरी में लिखवा दूंगा। तो दोस्तों आपको पहला पॉइंट डालना, पहले पॉइंट में आपको लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरे फोकस एफ टू से होकर जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि इस लेंस के कुछ दूरी पर हमारी वस्तु ए भी रखी है और इस वस्तु से हमारी दो प्रकाश किरणें निकल रही है। पहली जो प्रकाश किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने के कारण अपवर्तन के पश्चात एफ टू की ओर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों हमारी दूसरी जो प्रकाश किरणें हैं ये प्रकाशिक केंद्र ओ से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। तो दोस्तों जो ये ओ है ना, ओ ये हमारा ओ प्रकाशिक केंद्र है। ये जो बिंदु ओ है ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। और दोस्तों जो दूसरी वाली प्रकाश किरणें हैं इसी प्रकाशिक केंद्र से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। कहां निकल जाती है दोस्तों, सीधी निकल जाती है। फिर तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है ये दोनों किरणें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, अतः इन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर ये बिंदु ए डैश पर मिल जाती हैं। वस्तु दोस्तों देखिए, वस्तु ए और बी की जो दोनों प्रकाश किरणें हैं, जब इन दोनों प्रकाश किरणों को हम दोस्तों आगे बढ़ाते हैं तो ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये हमारी दूर हट जाती हैं। जब दोस्तों हम वस्तु ए और बी की जो प्रकाश किरणें हैं इन्हें पीछे की ओर लेके जाते हैं
तो दोस्तों ये दोनों प्रकाश किरणें क्या आती हैं दोस्तों, पास आ जाती हैं। तो दोस्तों जब हम वस्तु ए और बी की जो दोनों प्रकाश किरणें इन्हें पीछे की ओर लेके जाते हैं तो दोस्तों ये दोनों प्रकाश किरणें कहां जाकर मिलती है, ए डैश पर मिलती है। कहां जाकर मिलती है दोस्तों, ए डैश पर मिलती है। तो दोस्तों वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ए डैश पर बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों, ए डैश पर। दोस्तों आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों चौथे पॉइंट में लिखना, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर सीधा आभासी वस्तु से बड़ा बनता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, ए डैश बी डैश पर। कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ये दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न नंबर दो की तरह है। किसकी तरह है दोस्तों, यह प्रश्न नंबर दो की तरह है। जैसा प्रश्न नंबर दो था सेम उसी तरीके से यह प्रश्न है। प्रश्न नंबर दो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, सेम उसी तरीके का यह प्रश्न है। कुछ नहीं है, बस थोड़ा प्रश्न चेंज कर दिया, बाकी की थ्योरी सेम वही है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, इस प्रश्न को दोस्तों आपको स्वयं तैयार करना है। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पहले हेडिंग डालनी है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, आपको इसका चित्र बनाना। चित्र कैसा बनाना दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, सेम इसी प्रकार का चित्र बनाना है। अब दोस्तों मैं आपको इस चित्र को ध्यान से समझा देता हूं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक आप इस चित्र की थ्योरी नहीं लिख सकते। तो दोस्तों देखिए ये जो M1 और M2 है ना, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या, हमारा अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण के हमने उभरे हुए पृष्ठ पर क्या करिए दोस्तों, पॉलिश करिए। क्या करिए दोस्तों, पॉलिश करिए, ताकि जो दबा हुआ पृष्ठ है इस दबे हुए पृष्ठ को प्रावर्तक पृष्ठ बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके, प्रावर्तक पृष्ठ बनाया जा सके। अब दोस्तों इसी दर्पण के सामने, इसी दर्पण के सामने हमने क्या रखी है, वस्तु ए बी रखी है। क्या रखी है दोस्तों, वस्तु ए बी रखी है। अब दोस्तों इस वस्तु ए बी से हमारी दो प्रकाश किरणें निकलनी है। कितने प्रकाश किरणें निकलनी है, दो प्रकाश किरणें। पहली प्रकाश किरण है हमारी ए और एम, और दूसरी प्रकाश किरण है हमारी ए और ओ। तो दोस्तों जो पहली प्रकाश किरण है हमारी ए और एम, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। अब आप कह रहे होंगे ये मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दोस्तों ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो हमारा मुख्य अक्ष होती है। तो दोस्तों पहली जो प्रकाश किरण है हमारी ए और एम, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। किसके समांतर चलती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि दोस्तों दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस एफ की ओर जाती है। कहां जाती है दोस्तों, फोकस एफ की ओर जाती है। देखिए दोस्तों ये जो बिंदु है हमारा फोकस एफ है, जबकि दोस्तों हमारी जो दूसरी प्रकाश किरण है ए और ओ, वह वक्रता केंद्र सी से जाने के कारण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है जिस मार्ग से वह आती है। देखिए दोस्तों जो हमारी दूसरी प्रकाश किरण है हमारी ए और ओ, ये वक्रता केंद्र सी से जाने के कारण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट गई जिस मार्ग से आई थी, इसी मार्ग से आई थी, इसी मार्ग से लौट गई। तो दोस्तों पहली वाली प्रकाश किरण है ए और एम, दूसरी वाली प्रकाश किरण ए और ओ, दोनों कहां कट रही है, ए डैश पर कट रही है। कहां कट रही है, ए डैश बी डैश पर कट रही है। तो दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पर बनेगा। कहां बनेगा, ए डैश बी डैश पर। तो दोस्तों इस चित्र में केवल इतना ही आपको समझना। दोस्तों अब मैं आपको इस चित्र की थ्योरी लिखवा देता हूं। दोस्तों थ्योरी सेम मैं उसी तरीके से लिखवाऊंगा जिस तरीके से मैंने ये चित्र आपको समझाया था। तो दोस्तों आपको पहले पॉइंट में लिखना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ए और एम दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ की ओर जाती है। दोस्तों मैंने आपको चित्र में समझाया था कि हमारी पहली जो प्रकाश किरण है ए और एम, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां जाती है, बिंदु फोकस एफ की ओर जाती है, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। जबकि दोस्तों हमारी दूसरी किरण है ए और ओ, जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने के कारण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है जिस मार्ग से यह आती है। तो दोस्तों मैंने यह भी आपको बताया था कि जो हमारी दूसरी प्रकाश किरण है ए और ओ, वो वक्रता केंद्र सी से जाने के कारण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है जिस मार्ग से वह आती है। अब दोस्तों आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है,
दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर काटती हैं, इसलिए वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश छोटा बनता है। तो दोस्तों दोनों जो परावर्तित किरणें हमारी ए आर एम और ए आर ओ दोनों कहां कट रही है, ए डैश बी डैश पर कट रही है। कहां कट रही है दोस्तों, ए डैश बी डैश पर। इसलिए दोस्तों वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा, इस वाले जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा दोस्तों, ए डैश बी डैश पर बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक और छोटा। कैसा बनेगा दोस्तों, वास्तविक और छोटा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का आपको आंसर कैसे देना है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में अतिलघु प्रश्न इतने ही थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और रोजाना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।